मॉर्निंग, माई नेम इज आयशा शेख. मेरा नाम आयशा शेख है. मैं गुजरात से हूँ. मेरा घर भरूच में है और मैं यहाँ यूक्रेन में फंसी हुई हूँ. हम रह रहे हैं टर्नोपिल में. हमारा एड्रेस है चैकी उसको हो 33, चैकी उसको हो 39, फ्लैट नंबर 57, टर्नोपिल, टर्नोपिल्स का ओब्लास 46002. हम सारे सिचुएशन से, हम स्टूडेंट्स कब से बोल रहे थे हमारी एम्बेसी को, हमारी यूनिवर्सिटी को, हमारी एम्बेसी ऑफ इंडिया को, दैट हम यहाँ पे फंसे हुए हैं. बट हमारी यूनिवर्सिटी ने ना कोई डिसीजन लिया, ना एम्बेसी वालों ने यूनिवर्सिटी को प्रेशराइज किया. अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि मार्शल लॉ लगने वाला है. यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है. यहाँ पे साइलेंसर्स बज रहे हैं और मैं और मेरे साथ में मेरी दो रूममेट्स हैं, आशिता और दिव्या. आशिता जो है वो राजस्थान से है, दिव्या जो है वो मध्य प्रदेश से है. हम सारे बच्चे यहाँ पे स्टक हुए हैं. अभी हमारी यूनिवर्सिटी हमें बोला है दैट आपकी यूनिवर्सिटी अब जाकर ऑनलाइन हो रही है. जब सारी सिचुएशन खराब हो चुकी है, प्लीज आप लोग हमें मदद करें. हमें कुछ नहीं पता, हमारी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और हमें कुछ नहीं पता कि हम वापस इंडिया कैसे जाएं. जितने भी बच्चे जो आज जाने वाले थे एयर इंडिया से, एयर इंडिया आई ही नहीं, वो पहले से ही क्यू आकर ही वापस चली गई और सारे बच्चे क्यू में भी फंसे हुए हैं. हम हमारी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमें इवैक्यूएट करें. प्लीज पैसों को ना देखें, हमारी लाइफ ज्यादा मैटर करती है. हम यूक्रेन से पढ़ाई कर रहे हैं. हमारी गवर्नमेंट को प्लीज हमें बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए. प्लीज हमें इवैक्यूएट करें. हम यहाँ पे बहुत फंसे हुए हैं. सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है.